साथियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग घटना से पब्लिकेशन द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई उसके संक्षिप्त वाले पोर्शन में आज के दिन आज की वीडियो में हम लोग विधि और न्याय को देखेंगे तो देखिए चलिए प्रारंभ करते हैं पहला है मोदी सरने मानहानि केस तो सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को इस मानहानि केस में दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा देने का फैसला सुना है मार्च दो को राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा चार और पांच के साथ मुकदमा दर्ज किया गया था मानहानि का मुकदमा पेशे से वकील और वर्तमान में सूरत पश्चिमी के से विधायक पुणेश मोदी ने दर्ज कराया था सजा होने के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक सौ ई और जनप्रतिनिधि अधिनियम उन्नीस की धारा आठ के तहत राहुल गांधी की सदस्य संसद सदस्यता रद्द कर दी गई आगे बात करते हैं मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून तो स्पेन की संसद द्वारा मासिक धर्म संबंधी वैतानिक चिकित्सा अवकाश देने संबंधित कानून पारित हुआ है 16 फरवरी 2023 को स्पेन इस, इस तरह का कानून बनाने वाला पहला यूरोपीय प्रदेश यूरोपीय देश बन गया ये महत्वपूर्ण है कि मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून किस देश ने बनाया स्पेन ने बनाया महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक दो तो ये पारित किया गया छब्बीस दिसंबर दो को और महाराष्ट्र इस तरह का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र संशोधन अधिनियम दो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई तीस नौ तीस दिसंबर दो हज़ार बाईस को इस अधिनियम के अंतर्गत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र करने का प्रावधान है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र ठीक है पहले क्या था नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र था इसका नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र किया जाएगा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय खंडपीठ ने तीन दो के बहुमत से के फैसले के साथ सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए प्रदत्त दस प्रतिशत आरक्षण को वैध माना है इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा तो ध्यान रखें तीन संविधान संशोधन किससे संबंधित है वो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, EWS, उससे संबंधित है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2021 तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई बीस अगस्त 2022 को इस अधिनियम के अंतर्गत खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा भुलाए जाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भुलाए जाने के अधिकार राइट टू बी फॉर्गन को निष्ठा के अधिकार के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है जुलाई 2022 में यह निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुदेश सुद्रेश की पीठ ने सुनाया है स्वैच्छिक वेशयावृत्ति अपराध नहीं है देखिए उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि स्वैच्छिक वेशयावृत्ति जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है मई दो का फैसला ये न्यायालय ने अपने आदेश में सहमति से यौन संबंध बनाने वाली सेक्स वर्कर के खिलाफ हस्तक्षेप और कार्रवाई नहीं करने हेतु तो पुलिस को निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय के अनुसार सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है तो इस प्रकार इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद